फिरोज खान का इस वक्त ग्रीन एंटरटेनमेंट पर अखाड़ा ड्रामा चल रहा है, जिसको शायकीन बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और एक फिरोज खान की पंजाबी इंडियन मूवी आने जा रही है, जिसकी शूटिंग फिरोज खान कर रहे हैं। तो एक न्यूज मिली है खुदा और मोहब्बत सीजन 4 की, जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो पहले सबको यही लग रहा था कि खुदा और मोहब्बत सीजन 4 में हारून का आदवानी होंगे फिरोज खान की जगह पर, क्योंकि खुदा और मोहब्बत सीजन 3 के डायरेक्टर सैयद वजाहत हुसैन ने कादवानी की एक BTS वीडियो शेयर की थी। तो सबको यही लग रहा था कि खुदा और मोहब्बत सीजन 4 में हारून कादवानी कंफर्म होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हारून कादवानी का एक अलहदा ड्रामा आने जा रहा है इश्क हुआ। तो कुछ सोर्स के थ्रू पता चला है कि खुदा और मोहब्बत सीजन 4 में फिरोज खान ही होंगे। फिरोज खान को सीजन 3 में शायकीन ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, तो सीजन 4 में भी फिरोज खान ही होंगे। और अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि फिरोज खान के ऑपोजिट हमें कौन देखने को मिलेगी। जहां तक मुझे लगता है इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी यमुना जैदी की है, तो हो सकता है कि फिरोज खान के ऑपोजिट हमें यमुना जैदी खुदा और मोहब्बत सीजन 4 में देखने को मिले, क्योंकि अगर वाज अली जियो के दो ड्रामों की शूटिंग एक साथ कर सकते हैं तो यमुना जैदी क्यों नहीं कर सकती। तो बाकी आप क्या चाहते हैं कि खुदा और मोहब्बत सीजन 4 में फिरोज खान के ऑपोजिट हमें कौन देखने को मिले? आयदा खान, यमुना जैदी, दुरेफिशा सलीम, कोमल मीर, किंदा हाशमी या फिर सैर खान? अब जिसको भी देखना चाहते हैं आप मुझे अपने फीडबैक से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। आप फिरोज खान के साथ किसको देखना चाहते हैं? मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।